इस करुणामाला विनती में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सब जन एक दिल होकर एक मन होकर उस प्रभु के आभार प्यार पर मनन चिंतन करें। उसने हमारे साथ अपना प्यार इस तरह प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र हम सबों के लिए कुर्बान हो गया। उसने उस क्रूस पर अपना बलिदान देकर अपने प्राण हम सबों के लिए निशावर कर अपना प्यार प्रकट किया है। आइए सब जन एक दिल होकर एक मन होकर इस करुणामाला विनती में मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रभु के पांच जख्मों पर मनन चिंतन करते हुए उसकी हम दो सना गाएं। इस करुणामाला विनती में लीन हो जाए। आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना तेरी आराधना करो दिल से तेरी आराधना करो दिल से तेरी आराधना पूरे मन से गाऊं तेरी सना पूरे मन से गाऊं तेरी सना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना भटक रहा था मैं दुनिया में ना पाया सच को वहाँ भटक रहा था मैं दुनिया में ना पाया सच को यहाँ एक तो ही है यीशु राजा जो है सच का दरिया एक तो ही है यीशु राजा जो है सच का दरिया तेरी हम दो सना गाऊं तेरे नाम में बढ़ता जाऊं तेरी हम दो सना गाऊं तेरे नाम में बढ़ता जाऊं आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना तेरी आराधना समर्पित होते जाएं। इस वक्त हम प्रभु की
करुणा के लिए प्रार्थना करें। आज विशेष रूप से सभी बीमारों को समर्पित करते हैं, कैंसर से जो पीड़ित हैं, रक्तस्राव, अस्थमा, लाइलाज बीमारियां, लिकोरिया, सफ़ेद दागों की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शंस, किडनी के इन्फेक्शंस, आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की क्षमा पाने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु से दूर हैं, जो अत्याचार और शोषण करते हैं, प्रभु उन पर दया करे, उन्हें क्षमा करें। इस दुनिया को तूने बनाया, सब चीजों को तूने सजाया, इस दुनिया को तूने बनाया, सब चीजों को तूने सजाया, धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ, धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ, तेरी हम दो सना गाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरी हम दो सना गाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से गाऊं तेरी सना, पूरे मन से गाऊं तेरी सना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में संत पौलुस इस वचन को लिखता है। प्रभु यीशु ये कहता है कि जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें शब्द दिए जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19। इसलिए जो चिंता में है चिंता न करें, जो निराश है वो निराश ना हो। प्रभु की दया अनंत काल तक बनी रहती है, उसकी करुणा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उसकी हजूरी में एकत्र होकर उसका धन्यवाद करें। पवित्र बाइबल हमें बताती है, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, कि आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहें और सब संतों के लिए निरंतर आप लोग विनती करें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18, आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। बड़ी सादगी और भक्ति के साथ क्षमा की याचना करते हुए आइए इस करुणामाला विनती को हम दोहराएं, जिससे कि हमें प्रभु की दया मिले। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं।
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमेन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ। मंजर ये अनोखा मैं देख रहा अनोखा मैं देख रहा हूँ। सूली जो बनी है वो तो मेरे लिए है, सूली जो बनी है वो
तो मेरे लिए है, पर तू है उठाए मैं देख रहा हूँ, पर तू है उठाए मैं देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में कि जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा भेद हम समर्पित करेंगे, विशेष रूप से कैंसर और रक्तस्राव पीड़ित लोगों के लिए। जो प्रभु आज इन बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। इस वक्त आप लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु कैंसर पीड़ितों और रक्तस्राव पीड़ित स्त्रियों को चंगाई प्रदान करें, इन्हें क्षमा करें। आपका जवाब होगा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर कैंसर पीड़ितों और रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हम पर कैंसर पीड़ितों और रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर कैंसर पीड़ितों एवं रक्तस्राव पीड़ितों पर दया कर। जा रहा है सूली को उठाए
जा रहा है। सूली को उठाए गिरता और संभलता मैं देख रहा हूँ, गिरता और संभलता मैं देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसके एक एक घाव से हम भले चंगे हो गए हैं, उसके घावों के द्वारा हमें शिफा मिली है। जो बोझ और जो दुख उसने सहा वो हमारे पापों का नतीजा था। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। इसलिए प्रार्थना करते जाना कि हे प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु मुझ पर दया कर मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, जितने भी लोग लकवे से पीड़ित हैं, इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, गुर्दे के इन्फेक्शंस, यूट्रस की गांठें, रसौलियों से पीड़ित हैं, इनको प्रभु यीशु आप चंगाई प्रदान करें। जो मानसिक रूप से बीमार हैं, शरीर में इन्फेक्शन है, स्किन के इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर्स, मानसिक बीमारियां, आध्यात्मिक रीति से जो कमजोर हैं, हे प्रभु तो इन पर दया कर, इनके घावों पर प्रभु पट्टी बांध दे, तो दुखियों को दिलासा दे। जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं हे प्रभु उन्हें चंगाई और शांति प्रदान कर। आपका जवाब होगा सभी हम पर और सभी रोगियों पर दया कर, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। ईश्वर तू पर पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर।
कैसे लुटाते, प्रजा को सिखा दे जा कैसे लुटाते, प्रजा को सिखा दे तेरी मौत से ये सबक मैं सीख रहा हूँ, तेरी मौत से ये सबक मैं सीख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ। कलवरी की टेकड़ी पर दोपहर के लगभग 3 बजे चिलचिलाती धूप में दुखों से लदा हुआ मुक्तिदाता यीशु मसीह मेरी और आपके पापों का बोझ ढोते ढोते कलवरी टेकड़ी पर पहुंच जाता है। जल्लाद उसे क्रूस पर पटक देते हैं, निर्वस्त्र कर देते हैं, लंबी लंबी कीलें उसके हाथों और पैरों में ठोंकते हैं, परंतु वो तनिक सी भी परवाह नहीं करते हैं कि जो सूली के ऊपर मनुष्य लेटा हुआ है वह उनका मुक्तिदाता है। हम प्रभु के 5 घावों को याद करें, बड़े बड़े घाव जो उनके शरीर पर उन्होंने सहे। यूं तो उनका शरीर कोड़ों से छलनी हो चुका था, खून और पसीने से वह लथपथ थे, और वो मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर भी क्षमा करने के लिए तैयार था। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, लोकधर्मियों के लिए, हमारे धार्मिक नेताओं के लिए, साथ ही साथ समाज में जितने भी लोग रहते हैं इनमें आपस में प्रेम भाव बना रहे। प्रशासनिक अधिकारी नेतागण जो देश की बागडोर संभाले हुए निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रजा की सेवा कर सकें, इन तमाम बातों को, निवेदनों को हम रखें। और चौथा भेद हम समर्पित करें और कहें, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर। हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु
प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। तुझे देख रहा हूँ, सूली पे तड़पता तुझे देख रहा हूँ। मंजर ये अनोखा मैं देख रहा हूँ, मंजर ये अनोखा मैं देख रहा हूँ। अंतिम भेद हम समर्पित करेंगे अपने गुनाहों के लिए, मानव जाति के गुनाहों की लिए, ताकि उन्हें क्षमा मिले, प्रभु उन पर दया करें। प्रभु कहता है, वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और प्रभु ये कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। और प्रभु ये कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करके उसका उचित फल उत्पन्न करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3:8। इसलिए हम विशेष रीति से अंतिम भेद समर्पित करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो गुनाह में हैं, जिनको पाप और इस सारी बातों की समझ नहीं है, जिनके लिए सब कुछ चलता है। प्रभु उन्हें क्षमा कर, हमको क्षमा कर, सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। आपका जवाब होगा, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को, जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। येसु के हृदय, सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। येसु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। येसु के
हृदय जो सत्य बता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे अर्पित किया गया है, उस पर ध्यान देने की कृपा कर। तेरे इन बच्चों को अपने पवित्र लहू से कवर कर दे। इनके जीवन से हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार के बंधन, पाप श्राप बंधन, रोग बीमारी इनके परिवारों और जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। हे प्रभु अपने पवित्र दाहिने हाथ से इन्हें स्पर्श करने की कृपा कर। तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले, इनका घर तेरी महिमा से भर जाए। जितने लोगों ने विश्वास पूर्वक ये विनती दोहराई है, हे प्रभु अपने हृदय की करुणा से इनको स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु इस वेदी से मैं तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रायश्चित करते हुए जो निवेदन और प्रार्थना चढ़ाई गई है उसे सुनने और इनके जीवन में पूरा करने की कृपा कर। तू हमारे आज की करुणा प्रार्थना से प्रसन्न होकर दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे, उसी यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है,
यीशु ही प्रभु है। सबको जय यीशु की। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ एक मन होकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। पवित्र वचन की घोषणा एवं चंगाई की प्रार्थना होगी। तब तक के लिए आप परमेश्वर के सानिध्य में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।